आज उहाँलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यी क्षेत्र समाजवादी पार्टीका सचिव एवं कार्यदल सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राय जे प्रतिनिधि सभा के सांसद सरिता गिरी के पार्टी से निष्कासित कैल गेल जानकारी करा रहल छथि। प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सरिता गिरी ले नेपालको संविधान संशोधन दोस्रो जुन विधेयक थियो त्यसमा उहाँले पार्टीको निर्देशन दलको निर्देशन र व्हिप समेतलाई उल्लङ्घन गरेको जानकारी पार्टीलाई प्राप्त भयो र असार 8 गते चाहिँ पार्टीले एउटा 3 सदस्यीय माननीय राम सहाय प्रसाद यादव म र चाहिँ सुशीला श्रेष्ठ जीको सदस्य रहने गरी चाहिँ एउटा समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन उहाँको सम्पूर्ण साक्ष्यहरू उहाँको प्रष्टीकरणहरू उहाँको स्पष्टीकरणहरू उहाँको जवाबहरू सोधियौँ र त्यो प्रमाण र प्रतिवेदन हामीले पार्टीमा बुझायौँ र आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीको निर्देशन उहाँले दलको निर्देशन दलको चाहिँ व्हिपलाई समेत उल्लङ्घन गरेको चाहिँ प्रमाणित भएको कारणले आज उहाँलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब प्रश्न यी कि आखिर एहन की भेल जे सांसद गिरी के पार्टी सदस्य आ सांसद पद दुनू से हटेबाक निर्णय करय पड़ल। एहिसे पहिने प्रतिनिधि सभा के बैसार में हिंदी में अपन बात रखत गिरी भारत आ चीन से बात। अभी लिपु लेख का विवाद भी आया है लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है उन्होंने हमारी विदेश नीति उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठा है। लिम्पिया धुरा काला पानी आलिपु लेक क्षेत्र समेटल गेल नया नक्शा अनुसार निशान छाप परिवर्तन कर सरकार आने संविधान संशोधन विधेयक में गिरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता करेने आ पार्टी फिरता लेब निर्देशन देराक बाद नई मानला से ई कार्यवाही हुनका ऊपर कैल गेल अछि। मेरो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी चाहिँ सभामुखजीले गराउनु भयो होइन। अब मैले कुन विचार कुन मनसाय कुन तर्कको आधारमा त्यो संशोधन दर्ता गराएको छु त्यो पनि मैले संसदमा जानकारी गराउन पाइनँ। म यो नयाँ जुन निशान छाप जुन आछ जसमा जुन नेपालको वास्तविक सीमा परिवर्तित गरिएको छ मेरो विरोध त्यहाँ छैन। हामी कानुनका निर्माता छौँ र कानुनको निर्माताको काम के हुन्छ भने जब कुनै एक्जिस्टिङ कुनै सिम्बल छ लोगो छ र त्यसमा चेन्ज भइरहेछ भने त्यसको आधार र कारण चाहिँ खुलाउनु पर्ने हो। लिम्पियाधुरा कालापानी अलिपु लेक क्षेत्र समेटल नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन के आधार खोजला बाद सांसद गिरी के विरोध होब लागल छल। लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो यो त म पनि स्वीकार गर्दिन तपाईले भनेर हुन्छ प्रधानमन्त्रीले बनि सकेका छैन। आफ्नो भारत नेपाल बीचक आदिकाल से जुड़ल सम्बन्ध के कायम रखबाक पक्ष में रहल भारतीय मीडिया संग भेल बातचीत में ओ कहने छथि भारत और नेपाल के बीच में जो एक प्राकृतिक किस्म का संबंध है इसमें खलल पहुंच रही है और इससे आम जनता का जीवन बहुत मुश्किल होने जा रहा है अगर इसको इस समस्या का हम लोग समाधान नहीं करें तो फिर निश्चित रूप से ये संबंधों में दरार आई है और मैं ये संबंध नहीं बिगड़े ये खुली सीमा बरकरार रहे दोनों तरफ के लोगों को आने जाने की सुविधा हो उनकी जनजीविका सुरक्षित रहे इसके लिए मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ काम बिना भारत और चीन के साथ वार्ता किए हो। एम्हर समाजवादी पार्टी अपन सांसद सरिता गिरी के पद से निष्कासन कर कह कर संसद सचिवालय में 28-23 गते बुध दिन पत्र पहुँचौने अछि। गिरी के सांसद से निष्कासन करवाक पत्र लकर समाजवादी पार्टी संसदीय दल के प्रमुख सचेतक उमा शंकर अरगरिया आ सह अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ संसद सिंह दरबार स्थित सचिवालय पहुंचल छला। पत्र संसद सचिवालय के महासचिव भरत राज गौतम बुझने छथि। सभामुख अग्निशाप कोटा गिरी के सांसद से निलंबन केलाक बाद ओई के जानकारी निर्वाचन आयोग के देता। पत्र बुझने जानकारी पेलाक बाद गिरी सभामुख के सचिवालय आ संसद सचिवालय
फोन कक अपना ऊपर पार्टी के विधान विपरीत कार्यवाही कर लागल कह कर उपराग के लिए पार्टी के 425 व्यक्ति रहल केंद्रीय समिति के बैठने बिना पार्टी के गिनल चुनल पदाधिकारी द्वारा कैल गेल निर्णय विरुद्ध अपने अदालत जाब गिरी के कहब छन। केंद्रीय समिति हमारी जिस पार्टी के नाम से कार्रवाई हुई है वो 425 लोगों की केंद्रीय समिति है, उस केंद्रीय समिति को नहीं बैठाया गया है, इसलिए अभी कुछ पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है। मैं इसको अदालत में मैं सर्वोच्च अदालत को मैं मूव कराने की तैयारी कर रही हूँ। मुदा समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति समाजवादी पार्टी के अंतरिम विधान 2076 अनुसार केंद्रीय समिति के सब अधिकार प्रयोग करवाक व्यवस्था बमोजिम कार्यवाही के निर्णय लेने जानकारी दिलक। मिथिलांचल FM के लेल आरती मंडल जनकपुर धाम।